की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की, राजर्षि परीक्षित जी महाराज की, श्री सूत जी महाराज की, श्री शौनक जी महाराज की, श्री नारद जी महाराज की, श्री गौड़ पादाचार्य की, मनसा देवी की, मंदार की, श्री शत्रुघ्नलाल की, लाल की जय। पुराण की धर्म भक्ति ज्ञान काल की महापुराण भागवत निर्मल निधान की आरती अति पावन पुराण की कल मन मथन प्रताप निवार त्युमय भव भय धारण सतत सकल सुख कारण विषय विलास विमोह विनाशिन भगवत प्रकाशन परम ज्योति परमात्म ज्ञान की आरती अति पावन पुराण की उल्लास प्रेम सुदासन आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान काल की आरती अति पावन पुराण की महाभागवत महापुराण की जय। कृष्ण चैतन्य व्यास जी महाराज जय। श्री सुखदेव जी महाराज जय। श्री परीक्षित जी महाराज जय। श्री सूत जी महाराज जय। गौड़ाचार्य स्वामी की जय। श्री गोविंदाचार्य स्वामी की जय। जगत गुरु श्री शंकराचार्य स्वामी की जय। संपदा की जय। श्री पंचावाहन अखाड़े की जय। अपने अपने बाप दादा की जय। अपने अपने गुरु महाराज की जय। अपने अपने इष्ट देव की जय। बस्ती मैया की जय। नगर देवी की जय। वैष्णो देवी की जय। मनसा देवी की जय। मनकोड़ा भारत माता की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। अयोध्यापति भगवान श्री राम की जय। श्री हनुमत लाल की जय। श्री लखन लाल की जय। श्री भरत लाल की जय। श्री शत्रुघ्न लाल की जय। श्री भक्तावली महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सभी संत और भक्त भगवान की जय। श्री गिरिराज जी महाराज की जय। श्री लाल की जय। जय श्री राधे। ओ
विकार सुनाने वाले विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः श्री कृष्णाय वयं नमः श्री कृष्णाय वयं नमः ॐ यं प्रव्रजन्तमप्येतमपेत कृत्यं द्वैपायनो व्रेकात्रा जुहाव उत्प्रेत तमयत्या तर्वोभिनेदु संतों की संगति में व्यतीत हो। मनुष्य का जन्म मिलना बहुत भाग्य से होता है, लेकिन उससे भी बड़ा सौभाग्य है जब हम भगवान की कथा और मनुष्य जैसे कर्म करें। मनुष्य में जानवर में केवल एक ही फर्क है कि जानवर में बुद्धि नहीं होती है कि क्या सही और क्या गलत है। बाकी वो सारे काम जो आदमी करता है सारे काम कर लेता है, लेकिन उसमें विचार शक्ति नहीं है सही और गलत का फैसला करने की, सही और गलत में फर्क करने का उसमें दम नहीं है। और आदमी के अंदर बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करता, आदमी की पूरी जिंदगी चली जाती है बुद्धि का इस्तेमाल कर ही नहीं पाता, एक सेकंड नहीं कर पाता है। लेक्चरर प्रोफेसर सीएम डीएम पीएम उसके लिए बड़ा विवेक चाहिए, बड़ा धैर्य चाहिए, बड़ा संयम चाहिए, बड़ी प्रतीक्षा चाहिए, सहन करने की शक्ति। तो ये सारी चीजें भगवान श्री कृष्ण की कथा से नष्ट हो जाती हैं। बुद्धि का विवेक का वैराग्य का बढ़ना होता है। ये व्यास जी के पांच शिष्यों में से है। व्यास जी के चार शिष्य तो चार वेदों के आचार्य बने, ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद अथर्ववेद। फिर साहब जो महान संत हुए वो भी ऐसे ही थे। उनकी माँ को झाड़ में फेंक आई थी, नीम आग नीर जुलाए काशी के थे वो बेचारे, सूत का काम करते थे वो, लौट रहे थे। उन्होंने झाड़ में रोते हुए बच्चे को देखा तो उसको उठा लाए, पालन पोषण किया। वो कभी साहब ऐसा संत नहीं हुआ कभी जैसा। तो सूत की कोई ना जाति से संबंध नहीं रखते हैं, भगवंत केवल भाव से प्रेम से संबंध रखते हैं। जिसके अंदर भी प्रेम है चाहे वैश्य हो, वह ये भी नहीं कि मैं ऊंचे कुल का हो, ऊंची जाति का हो, ऊंचे वर्ण का हो, ऊंचे नाम, यहाँ किसी जाति पाती रिश्ते नाते मत पंत मजहब क्या काम करते कोई मतलब नहीं। जूता काटने वाले रहता मुसलमान के पालन पोषित हुए और जुलाई का काम करने वाले कबीर, नाई का काम करने वाले नामदेव, दर्जी का काम करने वाले दादू, ये सब संत जितने भी हुए 98% छोटी कास्ट में हुए। सब इस गद्दी पर बैठ सकते हैं, और जो इस गद्दी पर बैठ के अपनी बिरादरी की पूजा पत्र की बात करे, अपनी पूजा पत्र की बात करे, वो नास्तिक लोग हैं। गद्दी पर बैठने का अधिकार नहीं है उनका। ये किसी पार्टी की और जाति की गद्दी नहीं, जो अपनी पार्टी की बढ़ाई करो अपनी जाति की बढ़ाई करो। आप चाहत होती है तो सूत जी को गद्दी पर बैठाया जिनकी कोई जाति बिरादरी नहीं, और शौनक जी को मुख्य शुरू कर। जब कोई वार्ता होती है कथा होती है सत्संग होता है
तो उसमें बीच में कुछ बात को पूछने के लिए विद्वान आदमी चाहिए, तो उसमें उनको शौनक जी को रखा गया। शौनक के यहाँ कहीं भी वेद की कथा होती वहां शौनक जी मिलते हैं, उपनिषदों की कथा होती वहां शौनक जी मिलते हैं, स्मृतियों की कथा मिलती वहां शौनक जी मिलते हैं, पुराणों की कथा होती वहां शौनक जी मिलते हैं, ग्रंथों की रामायण की महाभारत की कथा वहां भी शौनक जी मिलते हैं। तो योग ये जितने भी पवित्र आचार प्रचार हैं इनको इकट्ठा करके रखना, गिरने नहीं देना, घटने नहीं देना, छोड़ नहीं देना। हम भले काम कर